के बांगिया बांगी लचकता जाए, बांगी लचकता जाए। महापर्व छठ का आज दूसरा दिन है। आज खरना कहा जाता है। आज सुबह से ही छठ व्रती निर्जला उपवास करती हैं, फिर प्रसाद बनाती हैं जिसमें खीर बनता है, रोटी बनती है, घी चुपड़ी हुई रोटी बनती है, और उसके बाद वो प्रसाद ग्रहण करती हैं और उसके बाद उनके परिवार और घर वालों को दिया जाता है। कई जगहों पर इसे लोहंडा भी कहा जाता है। हमारे साथ यहाँ पर एक छठ व्रती, हम उनसे बातचीत करते जानते हैं कि क्या महत्ता है खरना को लेकर, कैसे तैयारी होती है, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि कितने वर्षों से कर रही हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि आप कितने वर्षों से ये छठ व्रत करती आ रही हैं। हम 90 से कर रहे हैं। 90 यानी कि हाँ, काफ़ी लंबे समय से। बहुत लंबे समय से दोनों करते हैं, चैत वाला भी करते हैं, ये भी करते हैं, लेकिन हमको बहुत अच्छा लगता है। परेशानी कितनों काम है, लेकिन हमको परेशानी नहीं बुझाता है, लगता खुशी लगता है करने में कि नहीं हम करें, तो इसलिए हम हर साल करते हैं, दोनों करते हैं, चैत वाला भी करते हैं, ये भी करते हैं। आज जैसे कि खरना है तो क्या क्या तैयारी सुबह से की गई? आप लोग तो निर्जला उपवास भी रखा होगा। तो सुबह हम लोग उठे थे, अपना सारा पितर का सब बर्तन होता है, सारा बर्तन को धोए, सारा सूप दौरा रहता है, उस सब को धो धा के सब किए, सारा फल ला, मेरा बेटा सारा फल लाया, हस्बैंड भी सारा सामान लाए, सबको उसको सरिया सरिया के देखे, एक एक करके क्या छूट रहा है, क्या आया है, सब उसको सरियाए। 3 बजे से हम नहा वहा के अपना, फिर अपना खीर बनाना शुरू किए, खीर बनाए, रोटी बनाए, अपना सब तैयारी किए, फिर उसके बाद खरना किए। खरना किए तो खरना में हमको लोग को खीर लगता है, रोटी लगता है, केला लगता है, और चाय बनाते हैं हम लोग, क्योंकि दिन भर भूखते हैं 2 दिन से तो सर में दर्द हो जाता है, तो इसलिए चाय बनाते हैं, तो चाय भी पीते हैं, दूध पीते हैं, सब इतना तैयारी हम लोग करते हैं। छठ को सबसे कठिन व्रत माना जाता है, क्योंकि आज दिन भर निर्जला उपवास रहा, अब 36 घंटे का निर्जला उपवास रहेगा। कठिन मानना है, बहुत कठिन है, लेकिन ये खुशी का पर्व, इसे कठिन नहीं लगता है। कहा जाता है कि छठी मैया जितनी व्रती उनको ताकत दे देती, हाँ शक्ति दे देती है, तो कितनों कठिन व्रत है ना, तो कठिन नहीं लगता है, लगता है नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है करने में, काम करने में मन लगता है। ऐसी कोई मन्नत जो आपने माता से मांगी हो, जो आपकी पूरी हो गई हो, बताना चाहिए? माता रानी सब कुछ दिए है, अब एगो लड़का है, उनको रोजी रोटी दे, बढ़िया घर में बहू आए, यही ना भाई, अब यही हम लोग को ही है शौक, माता रानी को अपना पूरा करे। ठीक, कुछ और छठ व्रती हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि आज खरना है, लोहंडा कहा जाता है, क्या तैयारी की गई सुबह से, और कितने लोगों ने आपके इस काम में मदद की, घर वालों ने कैसे की? सुबह से हम लोग साफ सफाई में लगे हैं, और खीर बना, रोटी बना, फल आया, फल को साफ सफाई हुआ, और कल भी बोली थी आज भी बोल रही हूँ, इसमें 15-16 आदमी मदद करते हैं, तभी छठ व्रत होता है, और जितने लोग आए हैं सभी लोग मददें करते हैं। ठीक है, और क्या बोले यही है, बहुत बहुत पावन पर्व है, बहुत शक्ति है, ये है कि दिल से जो मांगी है वो तो मिल ही जाता है। अभी के बाद से फिर 36 घंटे का निर्जला उपवास रहेगा। हाँ, कल को लेकर क्या तैयारी, फिर अभी रात से ही वो ठेकुआ बनाने को लेकर क्या प्रोसेस? हाँ, अभी तो हम लोग रात में ही लग जाएंगे, सब बर्तन धोइए, सफाई करिए, और ठेकुआ बनाइए, कल अर्घ होगा, परसों अर्घ होगा, फिर हम लोग पकौड़ी चाय से पारण तोड़ेंगे बस। एक छठ गीत जो आप अभी गाना चाहें ताकि हमारे दर्शक भी सुन पाए। के बांगिया बांगी लचकता जाए, बांगी लचकता जाए, हो ना मानो जा सिंह कहारिया, दौरन घाटे चाऊ बांगी घाटे चाऊ, बनाना बाबलो सिंह कहारिया, बांगी घाटे पाऊ बनाना री किया, बाबू कहारिया गौर बनाना, छोटुआ बाबू कहारिया बांगी काटे मनाना, रुद्र बाबू कहारिया दौरा घाटे बनाना, अंकिता बाबू कहारी
मैया दौरा घाटे बनाया। का नाम है बाबू के? कल्लू। यस बाबू कहारिया दौरा घाटे चे पूछे दल के करा के दल के करा के आना हवे रे बटोहिया दल सठी मैया के दल सुरुज बाबा के हमे जे बड़े छठी मैया तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि एक अलग उत्साह है और छठ व्रती के घर पे तो उत्साह देखने को मिलता है, लेकिन आसपास और पड़ोस के लोग भी उतने ही ज़्यादा उत्साहित रहते हैं इस पर्व को लेकर। यानी आज खरना है और कल शाम को तमाम छठ व्रती जो हैं वो अपने निकट तालाब जाएंगे और वहाँ पर अस्ताचलगामी सूर्य भगवान को अर्घ देंगे और उसके बाद उदयमान सूर्य को उसके अगले दिन अर्घ देकर ये छठ का जो है ये पारण करेंगे। यानी कुल मिलाकर छठ, जिसे महापर्व कहा जाता है, सबसे कठिन हम कहते हैं इसे ये व्रत होता है, क्योंकि 36 घंटे निर्जला उपवास रखा जाता है। लेकिन मान्यता है कि छठी मैया जो है, जो भी छठ व्रती होते हैं, उन्हें वो ताकत देती है और यही ताकत हम यहाँ पर एक साक्षात देख सकते हैं। हम लगातार आपको इस तरह के अपडेट दिखाते रहेंगे। आप बने रहे हमारे साथ, अपने सहयोगी संतोष के साथ। शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।